अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आसमा ब्लॉग्स। सो हैदर तैयार हो चुका है जाने के लिए और काफ़ी एक्साइटेड है। हमने नाश्ता कर लिया है और हमारा आज है थर्ड डे। लंच हम ऊपर ही करने वाले हैं अगर हमें टाइम मिलेगा तो। सो हम अब सवारी की तरफ जा रहे हैं। अपर शेयरिंग और प्राइवेट दोनों चलते हैं। 200-300 लेते हैं पर हेड। बार्गेनिंग करनी होती है, हमने 150 में बार्गेनिंग करके 2% का दिया था 300 रुपीज़। और ये हम अब ऊपर की तरफ आ चुके हैं, तारागढ़ की तरफ चल पड़े हैं। और धीरे धीरे हमारी कैब चल रही है ऊपर की तरफ। थोड़े वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं, सो उसका बंदोबस्त आप करके जाइए। ये कुछ इस तरह का व्यू है विंडो के बाहर, मैंने ड्राइवर के जस्ट बाजू में बैठा था। सो आप देख सकते हैं, ये है व्यू, फाइनल व्यू, कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं तारागढ़ में। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा फॉग लग रहा है। अजमेर शरीफ में तो इतना क्लियर मौसम था, तो फॉग वगैरह दिख ही नहीं रही थी, बट यहाँ पे बहुत सारे फॉग दिख रहे थे और ठंडी भी लग रही थी। यहाँ पर बहुत सारे मुजाहिद भी आते हैं जो कि अपना चादर चढ़ाने के पैसे लेते हैं। सो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए क्योंकि आप अपने हिसाब से ही चादर खरीदिए। ये हम चादर वगैरह चढ़ा चुके थे। एंड ये अंदर का पूरा दरगाह है जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसा क्लाइमेट, ऐसा मौसम मैंने कभी नहीं देखा था इससे पहले। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और अब हमारा टाइम हो चुका था ख़त्म, क्योंकि अब हमें 1.5 घंटा ही देते हैं वो लोग। और हमें उसमें जियारत भी करनी थी, नमाज भी पढ़नी थी, चादर भी चढ़ानी थी, तो सब काम हमारा हो चुका था। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये रात नहीं हुई है बट आपको रात लग रही होगी। ये थोड़ा सा फॉग है इसके लिए ऐसे शाम शाम का मंजर लग रहा है। सो अब हम अपनी कैब की तरफ जा रहे हैं। टाइम हो चुका है ख़त्म, हम अपनी कैच करने जा रहे हैं वैन। एंड चलो, टिल देन बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।